नॉर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। अचानक से बिहार की राजनीति एक बार फिर से एक नया मोड़ ले चुकी है। आपको बता दें कि बिहार में जिस तरह से 4 सीटों के उपचुनाव को लेकर के सरगर्मी बढ़ी हुई है, तो वहीं दोनों घटक दल के साथ साथ अन्य दल जो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं वो एक दूसरे पर प्रहार करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन बात उससे आगे की है, ये चुनाव सिर्फ दिखावा है, बल्कि असल बात तो ये है कि 2025 में बिहार विधानसभा के होने वाले चुनाव पर सबका फोकस है और उसको लेकर के रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं। इस चुनाव में जीत हार को उस चुनाव से जोड़ करके देखा जा रहा है और यही कारण है कि बयानबाजी के साथ साथ पूरी तरह से रणनीतियाँ भी अचानक से बदलती नजर आ रही हैं। एक तरफ जहाँ नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन ने अपना नेता मान करके 2025 का चुनाव लड़ने की बात कही है, तो वहीं 4 सीटों के उपचुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से बिहार में राजनीतिक यात्रा शुरू कर दी है उसने हंगामा मचा कर रखा है। जिस तरह से यात्रा को लेकर के गिरिराज सिंह के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के और कई नेता रडार पर हैं, यानी कि विपक्ष सहित बाकी के सभी घटक दल जो इंडिया गठबंधन के हैं वो हमलावर हैं, तो वहीं नीतीश कुमार की टीम बहुत ज़्यादा इस पर नहीं बात कर रही है, लेकिन तकलीफ तो उसे भी हो रही है और दबे शब्दों में ही सही इस यात्रा की आलोचना हो रही है। वहीं तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर निशाना साधा है। जिस तरह से आपको जानकारी होगी भी कि तेजस्वी यादव झारखंड में है और झारखंड से ही उन्होंने अररिया में जिस तरह का भड़काऊ बयान दिया गया उसको लेकर के प्रदीप सिंह पर हमला किया है। उनका साफ कहना है कि नीतीश सरकार पर भी उन्होंने तंज कसा है और कहा है, आरोप लगाया है कि सांप्रदायिक बयानबाजी करने वाले सांसद को अतिरिक्त सुरक्षा दी गई है। तेजस्वी यादव ने बिहार को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने वालों के खिलाफ डट कर खड़ा रहूंगा, ईंट से ईंट बजा दूंगा, ये बातें कही है। अगर किसी ने मुसलमानों पर बुरी नज़र डाली तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। अब इस बात को लेकर के जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की इस यात्रा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग ही किनारा कर रहे हैं, वहीं जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार की टीम दबे जुबान में इस यात्रा पर हल्के हल्के आवाज़ में बातें कर रही है। लेकिन नीतीश कुमार को भी पता है कि आखिर इस तरह की यात्रा का क्या असर होगा। हालांकि जब से नीतीश कुमार बिहार में है तब तक सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होने दिया गया है, और अगर किसी ने कोशिश किया भी है तो नीतीश कुमार ने और उनकी सरकार ने जम करके उस पर एक्शन भी लिया है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों झारखंड में हैं और वहीं से उन्होंने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगों को किसी भी कीमत में माफ़ नहीं किया जाएगा। तो उन्होंने नीतीश कुमार पर भी हमला किया है कि नीतीश कुमार जी आखिर टुकुर टुकुर इन सब चीज़ को देख क्यों रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अब इस पर हमलावर हो गई है, जहाँ एक तरफ पूरी तरह से ये पूरा का पूरा मामला पेचीदा होता जा रहा है, इस पर कई तरह के बयान आने लगे हैं, वहीं लालू प्रसाद ने भी इस बात को सामने रखते हुए इस पर अपनी बयान दी है। लालू प्रसाद ने कहा है कि नीतीश कुमार भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक है, नीतीश कुमार भी उससे अछूते नहीं हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये सब कुछ हो रहा है। अब इन सब बातों के साथ साथ आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार पलटवार हो रहा है। हालांकि बिहार कैडर के कोई भी नेता इस पर कोई भी टिप्पणी करने से बचना चाह रहे हैं, तो वही आपको बता दें कि अजय आलोक, आप जानते होंगे कि कभी जनता दल यूनाइटेड में रहा करते थे और जनता दल यूनाइटेड में अपने बयानों के लिए ही जाने जाते थे, बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया था और भारतीय जनता पार्टी के एक हार्डकोर नेता के रूप में उन्होंने अपनी छवि बनाई है। विभिन्न मीडिया चैनलों पर आप उनको देखते होंगे जो अपनी बातों को बड़ा ही तल्ख टिप्पणी के साथ रखते हैं। अजय आलोक ने तेजस्वी यादव के इस बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव पहले अपने पिता लालू यादव की भूमिका का हिसाब दें। तेजस्वी को ईंट से ईंट बजानी ही है तो सबसे पहले लालू यादव की ईंट से ईंट बजाएं, क्योंकि उन्होंने भागलपुर दंगे के मुख्य आरोपी कामेश्वर यादव को 10 साल तक बचाया था। अब ये बात लेकर के कहीं ना कहीं आमने सामने की लड़ाई शुरू हो चुकी है और इस पूरे मामले को लेकर के बिहार में एक नया विवाद छिड़ गया है। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह ने भी हिंदू स्वाभिमान यात्रा के संबंध में तेजस्वी यादव के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि बाकी लोग चूड़ियां पहनकर बैठे हैं, यानी आप समझ सकते हैं कि ये चुनाव जो 4 सीटों का है ये यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके आगे की भी पटकथा लिखनी शुरू हो चुकी है।
तेजस्वी यादव को लेकर के उन्होंने कहा है कि सांप्रदायिक तनाव बढ़ाना चाहते हैं और हिंदू विरोधी बयान दे रहे हैं। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा है कि लालू और तेजस्वी यादव ने रोहिंग्या का समर्थन किया और बिहार में जंगल राज की वापसी कराई थी। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले को लेकर के बिहार की राजनीति काफ़ी गर्म हो गई है। देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार जो चुप्पी साधे हुए हैं वो क्या कुछ निकाल करके सामने लेकर के आते हैं। लेकिन एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि ये पूरी कहानी जिस तरीके से लिखी जा रही है, जिसकी पटकथा, वो कहाँ जा रही है ये आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। बिहार में राजनीतिक बवंडर उठ गया है और नीतीश कुमार चुपचाप देख रहे हैं। भाजपा ने बड़ा पलटवार कर दिया है और तेजस्वी यादव का मुंह खोलना भारी पड़ गया है। अब इन सारी परिस्थितियों को कैसे निपटा जाता है ये देखना दिलचस्प होगा और क्या इसके असर 4 सीटों के उपचुनाव पर पड़ते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है, ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386 816700। धन्यवाद।